दीदी, दी, दी आप पपाया नहीं खा सकती। प्रेगनेंसी में पपाया खाना ठीक नहीं, आपको पता नहीं है क्या? छोटे, तुम्हारी इंटरनेट की नॉलेज से ना हमें ज्यादा पता, थोड़ा सा खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बट स्टिल व्हाई टेक रिस्क? पपाया से बॉडी में हीट जनरेट होती है, एक पीस भी क्यों खाना? पर छोटे, कुछ नहीं होता थोड़ा सा। पूरे घर में मुझे एक भी पपाया नहीं दिखना चाहिए। जी, के लिए जूस लेकर आओ। जी भैया। ती, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखो। टच। ठीक है छोटे, ठीक, ओके। कैसे कोई एक इंसान दो लोगों के लिए इतना अलग हो सकता है? अपनी दी के लिए इतना प्यार, इतनी फिक्र, और हमारे लिए इतनी नफरत। ये आपने अपनी आयरन कैल्शियम की दवाई ले ली? हाँ, बस लेने ही वाले थे। तो ये कौन सी दवाई है? कुछ नहीं छोटे, वो दी सब ठीक है ना? आप मेरे से कुछ छुपा रहे हो? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अब छोटे, वो दरअसल कल शाम को हमें थोड़ा सा चक्कर आ गया था। चक्कर? और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? You know that? इसीलिए नहीं बताया। ये देख रहे हो, हमें पता था कि तुम पैनिक करो, इसीलिए हमने खुशी जी और इनको भेजा और वो मेडिसिन ले आए और हम ठीक हो गए। तो वो दोनों ये दवाई लेने गए थे? हाँ, वो हमने उन्हें मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताए। मैं अभी आता हूँ। अर्ना भैया, दीदी मुझे अर्नव भैया के कमरे में मिला, उन्हें देना भूल गया। हे भगवान, ये तो इनकी रोल है। हम भी तब से सोच रहे थे कि गई कहाँ। उस दिन ये छोटे के रूम में कुर्ता ढूंढने गए थे, शायद तभी रह गई होगी। ये भी ना, मैंने पूछा कहाँ थी तुम, चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो दोनों ये दवाई लेने गए थे? हाँ, वो हमने उन्हें मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताए। हम जहाँ भी गए आपसे मतलब। खुशी, तो तुम कल दी की दवाई लेने गई थी तो बता देती, एक बार कह देती कि कहाँ गई थी तो मैं। हमें आपको कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है।
सो व्हाट इफ दी ने कहा दवाई लाने के लिए? खुशी शाम के साथ जाने को मना भी तो कर सकती थी। अरे दामाद जी, ये लीजिए। कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर प्रसाद का मीठा मिल जाए नानी जी, तो इंसान को और क्या चाहिए? ऐसा कौनो शुभ काम करने जा रहे दामाद जी, हमका भी तो बताइए। वही जो आप करने वाली हैं। हम लागत है आज हमरे साथ पहलिया बुझाने का मन है आपका, काहे? नानी जी ये देखिए, नानी जी ये कोई आम धागा नहीं है, राजस्थान के बहुत ही मशहूर बाबा का दिया हुआ धागा है ये। हमारे क्लाइंट ने हमें दिया और कहा कि अगर हम इसे अपने साथ रखेंगे तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। हमने जैसे ही सुना नानी जी, हम सोचे कि क्यों ना साले साहब को हम ये धागा दे दें, उनके बटवे में पड़ा रहे। काफी दिनों से काम के सिलसिले में काफी परेशान से दिख रहे थे साले साहब। आप सबके बारे में इतना सोचे थे, जान के हमको बहुत ही खुशी हुई। वो तो है नानी जी, पर आप तो साले साहब को जानती हैं। अरे वो तो इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हम तो कह रहे हैं नानी जी, हम जितनी भी कोशिश कर लें, साले साहब हमारे हाथ से ये धागा नहीं लेने। हाँ अगर नानी जी आप उन्हें ये धागा दे तो शायद हम। हाँ आप ठीक ही कह रहे हैं। तो लीजिए नानी जी, शुभ काम में देरी कैसी? लाइए। अरे देखिए छोटे आई गए। छोटे पूरा कमरा छान मारा अर्णव बाबू, लेकिन उस लॉकर की चाबी नहीं मिली। अब तो सिर्फ एक ही जगह बची है और वो है आपका बटवा। ये धागा हमें आपके बटवे का मुआयना करने में मदद करेगा। माँ जी नीचे ड्रेस वाला है आपके, ये कृष्ण वाले कपड़े। हेलो हाय बाय बाय। वैसे माँ जी आप इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही। हाँ हाँ, इस चीज में फाइल डाउन करने के बाद और भी अच्छे लग रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत बुरा लगा जब आप। बस बस बस, बहुत हुई गई नौटंकी बस। अच्छा हमका एक बात बताओ, वो बीना को जिताए के खातिर तुम जो की वो की, लेकिन वो मटकी का है मेरे की। बहुत ही मजा आया हमका स्टेज पे फॉल डाउन करते हुए देख। हेलो हाय बाय बाय, हम ये गलती नहीं, हम जोड़ी गलत सिलेक्ट किए। हमका बनना चाहिए था लक्ष्मण, अब तुम बन जाती सूरपनखा। और फिर स्टेज पे हम तुम्हारी नोच काटते ना जैसे तुम हमारी काटी हो, तुमको पता चलता। हेलो हर बाय बाय। एक्सक्यूज मी, ये हमरा कमरा है, तुमरा नहीं। गेट्स आउट तुम करोगी, हम नहीं। हेलो हर बाय बाय। ई धागा एक बहुत ही माने हुए बाबा के यहाँ से है। हम चाहते कि ई धागा आप अपन बटवा में रखिए, ताकि आपके काम में आपको और तरक्की मिले। नानी आप जानती हैं इन सब चीजों में मैं विश्वास नहीं करता, मेरी सक्सेस का रीजन मैं खुद हूं। ठीक है जैसन, आप ठीक समझे। वैसे अगर आप मान जाते तो हमें खुशी भी होती और तसल्ली भी, लेकिन अगर आप। नानी मैं समझता हूँ कि इमोशनल बातें करके आप क्या करना चाहती हैं। हम सही सुने रहे, वक्त इंसान को बदल देवत है। साले साहब इतनी छोटी सी बात है साले साहब, अगर आप मान जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर रानी साहबा को भी पता चला तो उन्हें भी बुरा लगेगा ना। रहने दीजिए दामाद जी, हमें छोटे के साथ और जितना ही करनी है। ओके ओके
पता नहीं मैं आप लोगों का इमोशनल ड्रामा सुनता भी क्यों। दीजिए माफ कीजिएगा साले साहब, हमारा पांव फिसल गया। सॉरी साले साहब। हमें जो पता करना था वो तो हमने कर लिया। लॉकर की चाबी आप अपने बटुए में ही रखते हैं। हाँ, अब बस उस चाबी तक पहुंचना है हमें।